ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বুৰে দিন দেখে লৈ যায় 2014 আগে পালা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰে নিউজ এইটিনৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। উসকো লাগতা হে ভাইয়া স্পেস মে রিফর্ম হো রা। এই সাক্ষাৎকাৰত দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাব। আপুনি লিয়ে নাই খপায়া और मैंने इनके लिए प्ले खपा। देखर इमुरर परा हिमुरले निर्वाचनै प्रचार चलाय तेउ व्यक्त करिले देखर निर्वाचनै अभिज्ञतार कथा। 70 साल तक अन्याय हुआ है। ए निर्वाचन केवल मोदी निर्वाचन नहय 140 कोटि देशबाखिए ए निर्वाचनत प्रतिद्वंदिता करिसे बुली मन्तव्य करिले प्रधानमन्त्री। देखर मुसलमान जनता निर्वाचनक लय भावमूर्ति केनेकुआ हेउ व्यक्त करिले प्रधानमन्त्री। जय मां गंगे जय महाकाल। ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে, কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশক? দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে। স্বাধীনতাৰ পিছত দেশে যিখিনি নাপালে তাৰেই পূৰ্ণতা দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে। পূৰ্বে ভাৰতে মোবাইল ফোন আমদানি কৰিছিল, এতিয়া ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ বৃহত্তম মোবাইল ৰপ্তানি কৰা দেশ। जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है। स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है। मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में। तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। तो मैंने अपने आप को न्यूज 18 हुआ साक्षात्कार आवेगिक हो पड़े प्रधानमंत्री गोराकी। कोविडर समयखिनिर কথা রুমন্থন কৰি দুখিয়াৰ ঘৰত চৌকা জলালৈকে মোদীয়ে নিৰন্তৰ কৈ গল বহু কথা। कोरोना का कठिन काल चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था। क्यों? एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंडार पड़े हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। एक ये सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। विरोधी प्रधानमंत्री मोदीर विरुद्ध अना एक नायकत्ववादीर अभियोगर प्रत्युत्तर दिले मोदीये। जी दलर साधारण कर्मी सकले नेतार सहित नाई तेउ केनेकै परियालर दुख বেদনা বুজিব বুলি কলে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে। আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সমগ্র প্রচার এক পাৰিবাৰিক প্রচাৰত পৰিণত হৈছে। তামিলনাডু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে কেৱল এটা পৰিয়ালে প্রচার চলাবলগীয়া হৈছে। আব কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ কা পুৰা কেম্পেইন ফেমিলি কেম্পেইন বন গয়া হে। বাকী সারে দল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কে হে। तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो? চলিত লোকসভা নির্বাচনের মাজতে বিরোধীক তীব্র যুক্তিরে থকা হরকা করিলে প্রধানমন্ত্রী। পরিবার কি বাহন কম নিকল সংকল্প আর সমালোচনার মাজত বৃহৎ পার্থক্য আছে। যে সংকল্প লৈ দেশৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁ কেতিয়াও সমালোচনায় লড়াব নোৱাৰে বুলি কলে প্রধানমন্ত্রী। कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं, मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं। तो मैंने अपने आप को
अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है। और मैं योग का इंसान हूँ, मैं ध्यान को जीता हूँ। कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ चला जा रहा हूँ। केवल गाली गलाज बा समालोचना एटा मतादर्श केतियाव स्तब्ध बा ध्वंस करिब नोवारे, हेया जनताय देखि आहिछे। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूँ, जुड़ा नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट। कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है।